Am I audible now? Am I audible to you people now? Hurry up, do let me know. Okay, so do let me know from which question I should begin the class. धीरे बोल स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से यही से टाइम बचा तो वो पहले करा दूंगी ओके सो आई एम बिगनिंग विद द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर इटसेल्फ इफ वी आर लेफ्ट विद सम टाइम विल बिगिन विद द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो सो लेट्स बिगिन नाउ

जो आपकी मुगल एम्पायर था उस मुगल एम्पायर में जो सबसे लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल रूलर था वो कौन था औरंगजेब अगर लास्ट मुगल रूलर रूलर आपसे पूछे बट स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे आपसे सो so, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉज औरंगजेब उसके बाद जो मुगल एम्पायर था अगर आप यहाँ पे मुगल एम्पायर को देखें मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब की डेथ के बाद क्या होते हैं जब मुगल एम्पायर था उस मुगल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है अलोंग विद दैट इनके बाद जितने भी सक्सेसर आएंगे वो सारे सक्सेसर वीक सक्सेसर होते हैं जिससे कि जो कंप्लीट मुगल एम्पायर है वो कंप्लीट मुगल एम्पायर वैनिश हो जाता है अलॉन्ग विट औरंगजेब को जब थ्रोन मिलती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ट्रेजरी थी जो खजाना था ऑलमोस्ट एंड होने पे था बिकॉज उनके जो फादर थे शाहजहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक थे किस चीज़ के बिल्डिंग्स बनाने के लिए तो उन्होंने क्या करा जितना भी उनकी वेल्थ थी उस सारी वेल्थ को उसके अंदर स्पेंड कर दिया अलॉन्ग विद डेट जो औरंगजेब था औरंगजेब ने काफ़ी सारी फाइट्स लड़ती डेकन के पार्ट में सो जो उनकी वेल्थ थी वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होगी इसके बाद जो फर्स्ट मुगल रूलर आते हैं जो स्ट्रॉ नहीं था उनका नाम क्या है बहादुर शाह जफर एंड आफ्टर दैट जो लास्ट मुगल एंपर रहेगा उसका नाम भी बहादुर शाह जफर ही रहेगा मूविंग टू वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आउ रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय

ये सब तो आएगा सर को पता ही होगा कि जो चाणक्य है चाणक्य का अदर नेम क्या था समुद्रगुप्त अमरसिंहा कुमार गुप्ता या विष्णुगुप्ता जो करेक्ट नेम है दैट इज विष्णुगुप्ता बट विष्णुगुप्ता के साथ भी चाणक्य का एक और नेम था वन नेम वो चाणक्य अदर वाज विष्णुगुप्ता देयर वाज वन मोर नेम बाय व्हिच चाणक्य वाज नोन एज डू लेट मी नो द अदर नेम ऑफ चाणक्य हरी अपटिंग फॉर योर कॉमेंट्स नाउ नाउ हुआ इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी इन इंडिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी को इंडिया में किसने इम्प्लीमेंट किया था या किसने इंट्रोड्यूस किया था योर ऑप्शन चार्ल्स कैनिंग या फिर लोड डल आंसर की तरफ जाए इसका करेक्ट आंसर लोड डल हो नॉट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है फ किसी किंग का या किसी एम्पायर का कोई मेल हायर नहीं है मेल हायर का मतलब क्या उनका कोई वंशज नहीं है आप एडोप्टेड की बात नहीं कर सकते यहाँ पे अगर कोई किंग है कोई क्वीन है उनका कोई बेटा नहीं है या फिर अगर एडॉप्टेड सन है तो जो वो जो एम्पायर होगा वो एम्पायर किसके हाथ में जाएगा वो ब्रिटिशर्स के हैंड में लैप्स हो जाएगा विच मीन्स अगर आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है आपका कोई बेटा नहीं है तो आपका जो एम्पायर है वो एम्पायर किसके पास जाएगा वो एम्पायर ब्रिटिशर्स के पास, पास लैप्स हो जाएगा विच मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे वो एम्पायर्स को कैप्चर कर रहे थे अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू खाली एक डॉक्ट्राइन लैब्स पॉलिसी नहीं थी डॉक्ट्राइन लैब्स साथ और भी काफ़ी पॉलिसी थी लाइक सब्सिडियरी अलायसेस Like, so, कैप्चर कर करने की कोशिश कर रहे थे अपनी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के साथ सो so, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा वो रानी लक्ष्मी भाई का इस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का मूविंग टूवर्ड यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट कौन थी नॉइफाई आज क्यू इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने ऑरिजिनेट करी थी या फिर किसके थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था और कौन से ईयर में बनी थी सो ए वॉज द पर्सन जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था एंड इट वॉज मेड इन ईयर 1885 Here if I write over here It was made in year 1885 It is one of the oldest party Now if we party about women president of this So who was the woman president? Sarojini Naidu Annie Besant Now Nelly Sengupta Then Kamla Nehru Correct answer for this question is Annie Besant Now moving towards the next question now

अकबर के नाइन जेम्स थे उन नाइन जेम्स में से जो एक जेम है वो कौन है फजल और अबुल कौन है उनका उन्होंने एक राइटर है जिन्होंने अकबर के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था सो so, नौ रत्न आपने सुने होंगे उनमें से जो ये चार रत्न ये हैं, इसके अलावा और कौन रत्न है बीरबल देन आपका मुल्ला दो प्याजा मुल्ला दो प्याज़ा जो अकबर के अगेन राजा मानसिंह ये सारे क्या ये सारे अकबर के नवरत्न में से पर्सन ओनली लेडी रूलर रजिया सुल्तान बिलोंग टू डैश डायनेस्टी डेली की जो सबसे इकलौती फीमेल रूलर थी उसका नाम क्या था फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम दिल्ली की बात करते हैं या हम इंडिया की बात करते हैं या दिल्ली में सबसे पहले जब कैप्चराइजेशन होने स्टार्ट हुई सबसे पहले वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आई थी फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे दिल्ली सल्तनत आई दिल्ली सल्तनत आने के बाद वहाँ पे मुगल्स का इन्वेजन हुआ देन जो मुगल डायनेस्टी थी मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई नाउ अगर आप बात करते हैं रजिया सुल्तान की रजिया सुल्तान कौन सी डायनेसिटी को बिलोंग करती थी इसका आंसर आप देंगे कि रजिया सुल्तान कौन सी डायनेसिटी को बिलोंग करती थी बट अगर मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताऊं तो रजिया सुल्तान की डिटेल्स क्या शी वॉज अल एंड शी रूल ओनली फॉर फोर इयर्स रूल फॉर फर्स्ट डिटेल अबाउट फ्रॉम विच इयर शी रूल

कैसे रूल कर सकती है इस बात से वो बिल्कुल ना खुश थे इस वजह से जो रजिया सुल्तान है रजिया सुल्तान को थ्रोन से ही रिमूव कर दिया गया था नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि जो रजिया सुल्तान है वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करती थी जैसे ही दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होगा विद द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत आई एम राइटिंग डी एस फॉर दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के साथ जो मुगल्स है मुगल्स का राइज होना शुरू हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूँ

इसके आंसर आप देंगे कि ये तुगलक डायनेस्टी को बिलोंग करती थी लोदी डायनेस्टी को खिलजी डायनेस्टी को या फिर स्लेव डायनेस्टी को मेंबर इन द कोर्ट द फेमस पोएट बाना बट वॉज अ मेंबर इन द कोर्ट ऑफ द किंग नाउ जो फेमस पोएट है बाना बट वो किस किंग के कोर्ट में कोर्ट के पोइट हुआ करते थे अकबर विक्रमादित्य हर्षवर्धना या समुद्र गुप्त अगेन दिस आंसर इज टू बी गिवन बाय यू पीपल मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएम मेघ दूता वॉज रिटन बाय होम सी मेघ दूता ये जो पोयम है ये पोयम आपने कभी ना कभी अपनी हिंदी की क्लास में कभी ना कभी ये पोयम पढ़ी होगी जिसमें रेंज के बारे में और क्लाउड्स के बारे में बताया गया कि जो क्लाउड uh, है वो क्लाउड्स कैसे आते हैं अगर आप इस पोयम के बारे में देखेंगे अलाउ मे मोमेंट प्लीज सो दैट आई कैन चेंज दूता वॉज रिटर्न बाई होम तुलसी दास काली तुलसीदास, कालिदास, भावाभूति या फिर हर्षा कालिदास। कालिदास द पोयम मेक दूता नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड बी इज द करेक्ट आंसर सो आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन

कॉन्फ्रेंस में गांधी किया गया था कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन रूलर रॉकेट आर्टिलरीर टू यूज रॉकेट आर्टिलरी इन वो कौन सा फर्स्ट इंडियन रूलर था जिन्होंने रॉकेट आर्टिलरी को वॉर में यूज किया था हैदर अली टीपू सुल्तान औरंगजेब या फिर बाबर अगर मैं आपसे ऑप्शंस के बारे में बात करूं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है हैदर अली है हैदर अली का जो सन था हैदर अली के सन का नाम था टीपू सुल्तान हैदर अली हैदर अली के सन का नाम था टीपू सुल्तान एंड ये किस रीजन में रूल करते थे दे यूज टू रूल इन द रीजन ऑफ माइसूर ये जो मैसूर का रीजन है मैसूर के रीजन में ये रूल करते थे सो so, अगर मैसूर की बात करें मैसूर इज द अनदर नेम फॉर कर्नाटका एंड मोर ओवर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वो कम्प्लीटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कम्पलीटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के बट जो फ्रेंच थे फ्रेंच के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी सो फ्रेंच क्या करते थे जितनी भी आमे की टेक्निक्स या जो वेपन्स है उनके बारे में जो डिटेलिंग्स इन्हें मिलती थी वो किससे मिलती थी वो फ्रेंच पीपल से मिलती थी नाम ने सुना होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त सेम चीज हैदर अली और फ्रेंच के बीच में थी ब्रिटिशर्स वर नॉट हैप्पी विद फ्रेंच एट ऑल ना मूविंग टूवर्ड्स नाव जो हैदर अली हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ने मिल के जो ब्रिटिशर्स का जो एक्सपोर्ट यहाँ से इंडिया से जाता था रो मटेरियल हो गया या फिर काडेम हो गए क्लॉव हो गए जितना भी रो मटेरियल स्पाइस रिलेटेड इंडिया से ब्रिटिशर्स का जाता था उसको क्या करा गया था उस चीज़ को उन्होंने बैन कर दिया था और जितने वेंडर्स थे उन वेंडर्स को मना कर दिया था कि आपको ब्रिटिशर्स को कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना है ना मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन

ये इवेंट ने इवेंट हुआ था जिस टाइम पे लोग पीसफुली विसाके के मेले को अटेंड करने आए थे उस टाइम पे जो पर्सन था जो जनरल था उस जनरल ने क्या करा था जितने भी उस ग्राउंड के एग्जिट डोर्स उन एग्जिट डोर को बंद कर दिया गया था एंड अपनी आर्मी को क्या कहा गया ओपन फायर को करने के लिए सी अगर आप आंसर बता रहे हैं इसका सी इज नॉट दी करेक्ट आंसर सी इसका नहीं है। ध्यान से को एक बार करिए आपको पता लगेगा आंसर क्या है। carefully, एक बार को कीजिए आपको आंसर पता लग जाएगा आंसर जॉन एकेहस्ट देन रेगेनाल्ड डायर फ्रेडरिक जॉन एल्फेरे आपने नाम सुना होगा जो जनरल डायर थे जनरल डायर ने अपने को क्या कहा था ओपन फायर स्टार्ट करने के लिए जब उन्होंने ओपन फायर करने के लिए स्टार्ट करने के लिए कहा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे हर एक टाइप की कैटेगरी के, के पीपल थे ओल्ड थे बच्चे थे वहां पे फेमेल्स थे किसी को जाने का को कोई रास्ता नहीं मिला कुछ वहीं पे उनकी डेथ होगी और कुछ पीपल ने पे जो वेल था उस वेल्थ के अंदर कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी अगर आप आज के टाइम में भी अमृतसर में जाते हैं जलिया बाग में जाते हैं वहां पे आपको बड़े बड़े बुलेट के मार्क्स दिखेंगे जो आपको ये दिखा था कि यहाँ पे कितने सारे पर्सन की किलिंग हुई थी ये वेरी नाइस पंजाब अमृतसर में बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोल्डन टेम्पल golden temple. Golden temple की कंस्ट्रक्शन या हरमंदर साहिब हम जिसे कहते हैं उसी कंस्ट्रक्शन 1604 में किसने कंप्लीट करी थी नाउ गोल्डन साहिब का गोल्डन uh, पे है अमृतसर में ऑप्शन आर अमृतसर अगेन पंजाब जो हमने जलिया वाला बाग के बारे में पता पढ़ा हमने वो भी अमृतसर में पंजाब में है गुरु अमरदास जी गुरु हरगोबिंद जी गुरु हर राय या फिर गुरु अर्जुन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुरु अर्जुन नो बेटा डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन गदाधर चट्टोपाध्याय इज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाउ गदाधर चट्टोपाध्याय ओरिजिनल नेम किस पर्सन का है इन में से स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस या रबिंद्र नाथ टेगो या फिर श्री और नो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज रामा कृष्णा

नरेंद्र नाथ दत्ता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ नरेंद्र नाथ दत्ता ओरिजिनल नेम किस पर्सन का है स्वामी विवेकानंद ईश्वरचंद विद्यासागर रविंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन रॉय सी राम मोहन रॉय के रिगार्डिंग लास्ट पीडीएफ लास्ट जो हमने करंट अफेयर की क्लास करी थी उसमें हमने रीड आउट किया था जो राम मोहन राजा राम मोहन रॉय है हिज कम्प्लीट नेम इज राजा राम मोहन रॉय इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलिस्ट तो इन्होंने क्या कर था जो भी हमारे सोशल इवल्स थे उन सोशल इवेल्स को रिमूव करने का जो काम किया था सोसाइटी में वो राजा राम मोहन रॉय ने करा था जो मेजर सोशल इवल की हम यहाँ पे बात करते वो कौन सा है सती प्रथा सती प्रथा के अगेंस्ट सती प्रथा को एंड करने के फेवर में जो पर्सन थे ही वाज राजा राम मोहन रॉय अलोंग विद होम अलोंग विद द ब्रिटिशर्स सो करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है कुछ बट जो करेक्ट आंसर है वो स्वामी विवेकानंद है ओके हु इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर का नेम क्या है हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालविया जवाहरलाल नेहरू लाला लाजपत राय लास्ट पीडी ऑफ हम लास्ट करंट अफेयर की क्लास जब हमने की थी लाला लाजपत राय के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था सो लाला लाजपत राय को हम किस नेम से जानते हैं विद विच नेम वी नो हिम पंजाब इज द नेम और लाइन ऑफ पंजाब लाइन ऑफ पंजाब इज द नेम विच इज गिवेन टू लाला लाजपत राय नॉ अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सो so, इस क्वेश्चन के और करेक्ट आंसर के पास जाएंगे अच्छा मोतीलाल नेहरू अलोंग विद चतरंजन दास वाज द पर्सन जिन्होंने स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की थी सी जितने भी ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस के साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ डिटेल्स मिल रही है मोतीलाल नेहरू अलाउ मी मूव इन प्लीज मोतीलाल नेहरू

Who is known as the political guru of Mahatma Gandhi? If I ask you what is the full name of Mahatma Gandhi, first of all, his full name is Mohan Das Karamchand Gandhi. मोहनदास करमचंद गांधी इज द कंप्लीट और द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी सो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे इनके पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम है महादेव गोविंद दादाबाई नारोजी गोपाल कृष्ण गोखले लाला लाजपत राय सो गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन

ना ये जितनी भी सिटीज है ये सारी सिटीज इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की है जिसमें से ये हरपन सबसे पहली सिटी थी जिसे हमने एक्सकवेट किया था मोहन जोदारो थी जो हमें मिली थी अलोंग विद अलॉन्ग दोहन जोदारो वॉज द लार्जेस्ट सिटी नाउ दिस सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट वॉज नॉन एस लोअर टाउन

सी नाउ नेक्स्ट इज मेहरगढ़ सो अगर आप आंसर की तरफ जाएंगे city, का आपको कहाँ मिलता है ग्रेट बात का स्ट्रक्चर आपको मोहन जोदारो में मिलता है सो ऑप्शन नंबर डी मोहन जोदारो इज द करेक्ट आंसर नाउ ग्रेट बाथ है क्या अगर हम इस इमेज को केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ में

वाटर टाइट बनाया गया किसकी हेल्प से वाटर टाइट बनाया गया जिप्सम की हेल्प से जिप्सम एंड नेचुरल नेचुरल टार इस, इस लोकेशन को क्या बनाया गया वाटर टाइट बनाया गया अगर आप इसके आसपास देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या बता ये तो चीज़ें तो रिमेन्स है बट रियलिटी में अगर आप देखेंगे यहाँ आसपास जो कॉरिडोर्स है उन कॉरिडोर्स में दोनों साइडों पे फोर फोर वॉशरूम्स बनाए गए थे नौ जो ग्रेट बात है ग्रेट बात का मेन पर्पज़ क्या था ऐसा माना जाता है माना जाता है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ करता हो ये हमारे एग्जाम्पन्स है रियलिटी में क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिली है ये हमारी एग्जाम्पन्स के अकॉर्डिंग है कि जब कोई स्पेशल ओकेजनस होते होंगे स्पेशल अक्सेसियंस पे जो स्पेशल पीपल थे, दे यूज़ टू टेक यूज़ टू टेक बाथ इन इट. नाउ मूविंग टू वर्से नेक्स्ट क्वेश्चन.

नाउ और से पहले जो आई ई आई सी थी दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विच मीन्स 1857 से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसका था ईआईसी का ईस्ट इंडिया कंपनी का बट जब 1857 का रिवॉल्ट होते 1857 के रिवोल्ट के बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके पास चला जाता है डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है विच मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे डायरेक्टली अब इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कहाँ से होगा ब्रिटेन से होगा जो वहाँ के किंग है क्वीन है वो अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे लंडन से ई जो एक प्राइवेट कंपनी थी वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन थी बट नाउ नॉट एनी लॉन्गर दे आर गोइंग टू एडमिनिस्टर द इंडिया नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देंगे ऑप्शन में आपके लिए एक बार रीड आउट कर देती हूँ विनायक दामोदर सावरकर बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन विच ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन सिटी है ठीक है देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको डॉक मिलता है डॉक का मतलब क्या होता है पोर्ट जैसे आप बंदरगाह भी कहते हैं अगर हम पोर्ट की बात कर रहे हैं तो पोर्ट डॉक कहाँ मिलेगा ऑब्वियसली जहाँ पे वाटर मिलेगा आपको सो अगर मैं इंडस सिविलाइजेशन की बात करूँ अभी मैंने आपको एक सिटी बताई थी जो यहाँ पे वाटर बेस के साथ लोकेटेड है अगर आप गुजरात की लोकेशन देखते हैं गुजरात के आसपास आपको क्या मिलेगा

अपनी विक्ट्री को ये वेरी नाइस मोहम्मद मिदलाज सो अकबर ने अपनी विक्ट्री को पार्टिसिपेट करने के लिए या उसे करने के लिए बुलंद दरवाजा बनाया जो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया ये किस सिटी में बनाया था कश्मीर गुजरात बंगाल या फिर बिहार करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ओके विच वन द कैपिटल सिटी ड्यूरिंग अशोक एम्पायर सो आई एम टेकिंग अ क्विक ब्रेक टिल देन आप लोग इसके बारे में बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या इसका करेक्ट आंसर है अशोका के एम्पायर का जो कैपिटल सिटी है उस कैपिटल सिटी का नाम क्या है पाटलिपुत्र उज्जैन तक्षशिला या नफ द गिविन डू लेट मी नो

ऑप्शन जो होगा वो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा ना जो इब्न बतूता है इब्न बतूता वो वन ऑफ द ट्रेवलर अल ऑप्शन हो सकते है या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास ऑफ द गिवन है सो so, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या है अलबरूनी अलबरूनी वाज अ पर्सन हु हैज रिटन द बुक किताबुल हिंद सो आपको ऑप्शन जो फाइंड आउट करने हो तो किस वे में करने होते हैं आपको एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी को ऑप्ट करना होता है सो दैट आप ऑप्शंस के करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सके यस नो अबुल फजल इज नॉट द करेक्ट आंसर अलबरूनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस थिंग अबुल फजल इज रिलेटेड टू अकबर सी इज अलबरूनी

बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन नहीं है नो ऑप्शन नंबर सी नहीं है ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध की है दैट इज लुम्बिनी क्लियर अच्छा आप कैसे याद कर सकते हैं इस चीज को यहाँ पे बी अल्फाबेट आ रहा है यहाँ पे लुम्बिनी लुम्बिनी में बी आ रहा है सो अल्फ़ाबेट बी एंड यहाँ पे अल्फाबेट बी इसे आप याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस क्या है बिकॉज एम सी के आपको मिलेंगे ऑप्शन आपको मिलेंगे उन ऑप्शन में से आपको इजीली पता लग सकता है कि गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस कौन सी थी नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन पेंटिंग इन अजंता एंड अलोरा एंडरा फर्स्ट ऑफ ऑल नव इंडिकेटर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर दर्ट की डेवलपमेंट हुई है किस डायने के अंडर में यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है चालुक्यास पांड्यास पालवास या फिर चोलास किन के अंडर में इनकी डेवलपमेंट हुई है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए अलाउ मी मोमेंट प्लीज ऑप्शन नंबर ए चालू किया जब हमने प्रीवियस देखते प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा था कि जो एरिया जो चालुक्य ने कवर करा हुआ वो एरिया कौन सा था स्पेसिफिकली अगेन महाराष्ट्र वाला एरिया आ जाएगा आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा मैं करंट मैप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ महाराष्ट्र वाला रीजन हो जाएगा आंध्र प्रदेश वाला तमिलनाडु वाला एंड अलोंग विद दैट कर्नाटका वाला रीजन भी नो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके द राजा राजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जो राजा राजेश्वर टेम्पल है तंजोर का वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था राजा राजा चोला वन राजा अधि वन राजेंद्र वन विक्रम चोला सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजा राजा वन राजा राजा चोला वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन खिलाफ मूवमेंट खिलाफी और भी काफी सारे हुए so, जो सबसे पहला इवेंट जो मेजर इवेंट जिसकी हम बात करते है दैट वॉज जलिया वाला बाग जलिया वाला बाग मेकर

ब्रिटिशर्स ब्रिटिश जो पुलिस थी वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती थी बिना किसी ट्रायल के बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि उन्हें कोर्ट के सामने प्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा एंड दे कैन बी अरेस्टेड सो नाइनटीन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विच इज नाइनटीन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी नाइनटीन इज द करेक्ट आंसर ओके माया इज इन न्यूज रिसेंटली व्हाट इट इज व्हाट इज इट बैंकिंग ऐप मिसाइल सिस्टम ड्रोन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये माया क्या है आफ्टर दैट मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी टिल देन लेट मी हैव सम एंड डू लेट मी नो इसका करेक्ट आंसर क्या है हरियप ऑप्शन नंबर डी वेरी नाइस ऑप्शन नंबर डी एक करेक्ट आंसर है बट ये माया है क्या सी अगर आप माया की तरफ जाए हमारे जो कंप्यूटर्स ट्यूटर्स हम उस कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं बट हमने ये देखा है कि काफी ईयर्स से साइबर अटैक का जो नंबर है साइबर अटैक का नंबर इंक्रीज हो गया है उस साइबर अटैक को रिड्यूस करने के लिए एक सिस्टम जनरेट करा गया है विच इज़ जनरेटेड लोकली जो जिसे हमने इंडिया में ही जनरेट किया गया है उस सिस्टम का नाम क्या माया जिसे हम इंस्टेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम माया है, ये कौन यूज़ करे जो इंडियन डिफेंस है इंडियन डिफेंस इस सिस्टम को यूज़ करें लेटर ऑन जो आपकी नेवी है या जो एयर फोर्स है वो भी सिस्टम को यूज़ करेगी सो so दैट जो साइबर अटैक है उस साइबर अटैक से हम बच सकें ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव विद इन सिक्स मंथ्स कंप्लीट करा गया एज पर द सोर्सेज बट इस इनिशिएटिव को करने की जो प्रिपरेशन थी वो हम काफ़ी लंबे टाइम से करते आए थे सो so दैट जो साइबर अटैक्स है उन साइबर अटैक को रिड्यूस करा जा सके एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये लोकली बनाया गया बिच में इसे इंडिया में ही बनाया गया दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपको आ सकता है ट माया इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ओनली या कैसा या जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे कहा इंट्रोड्यूस करा, so करा गया है इंट्रोड्यूस करा गया है इंडिया में मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी नोन अबाउट इंडिजिनियस एम एस

आर नीरज रोहित यादव, मीरा भाई चनू सो so, आपको इनमें से ऑप्शन बताने कि इनमें से कौन इस टीम को लीड करेगा सो यो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा इस टीम को लीड करेगा Now, जो नीरज चोपड़ा है वो किस स्पोर्ट को प्ले करते हैं He plays jevlin throw. Jevlin throw में ये पार्टिसिपेट करते हैं। न आपको कमेंट सेक्शन में बताने बाकी के जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स कौन से स्पोर्ट्स को प्ले करते हैं करेक्ट आंसर फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर ए विच इज नीरज चोपड़ा मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टीम को लीड करेंगे मूविंग टूवर्ड्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विंस बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड कौन से बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को ऑरिजिनेट किया है नो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड की हम बात करें इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड क्या है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड का मतलब है ऐसे ए या ऐसे डेबिट कार्ड बनाए जाएंगे जो इको फ्रेंडली हो गए जो आपके एनवायरमेंट को रुइन नहीं करेंगे नाउ ये जो इको फ्रेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नेम बता देती हूँ किससे इंट्रोड्यूस कर रहा है इसको आफ्टर दैट मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ बंधन बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक

फर्स्ट लोड को बनाया गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 6.6 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को सेव करा गया विच मीन्स कहीं ना कहीं क्या ये इन्वा फ्रेंडली है जो वाटर का भी रिडक्शन में आपकी हेल्प करेंगे एंड लेटर ऑन इन्हें आप इजिली डिमिनिश कर सकते हैं मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्चर्स पी वी सी बेस्ड इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च डेबिट कार्ड प्रोड्यूसिंग दिस इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड विल ऑल्सो डिमनिश पेट्रोलियम कंजम्पन ये जो पेट्रोलियम की कंजम्पन है उस पेट्रोलियम की कंजम्पन को भी ये कार्ड क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे मूविंग टू वर्ड इन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का रीनेम जिसे रीनेम करा गया मुंबई आई एम ऑफ दी ये कंट्री का कौन से नंबर का आई आई एम होगा ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड या ट्वेंटी थर्ड यू है दिस क्वेश्चन मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नाउ एन आई टी आई

Additional Director General of India Coast Guard Ganeshan Path Patjindal Yafir S Paramesh. Hurry up, do let me know who is appointed over here as a director general of Indian Coast Guard. Do let me know regarding this thing in the comment section. Moving towards the next question now. Okay. Which state UT has been given GI tag to Rajori? चिकरी वुडन क्राफ्ट नाउ किस स्टेट को जीआई टैग दिया गया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है राजौरी चिक्री वुडन क्राफ्ट में द ऑप्शन आर सो ये जो राजौरी चिकरी जो वुडन क्राफ्ट है वो इस चीज़ को कहते हैं अलोंग विद डैट जो राइस है उस रा, इस प्लेस के राइस को भी जी आई इंडिकेशन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का टैग दिया गया है ऑप्शन ऑफ द प्लेसेज आर जम्मू कश्मीर असम ओडिशा और दिल्ली So, the correct answer for this question is Jammu and Kashmir. Now, moving towards the next question. See, Rajori's Chikri Woodcraft and Rice. Chikri Woodcraft, Rajori district, ra uh, and Mushkabudji.

पर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस करा है किस पर्सन इज नॉट ओवर हियर बट यू पीपल नीड टू नो रिगार्डिंग दिस थिंग नाउ फॉर इंडिजीनियस पीपल ऑफ स्टेट एंश्योर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स राइटर फॉरेस्ट लैंड फॉर एलिजिबल बेनिफिशरीज नाउ वो पर्सन जो जंगल को बिलोंग करते हैं आपके लाइक आदिवासी होगी उनका राइट रहेगा उनकी लैंड के ऊपर सो so, ये चीज़ के स्टेट ने इनिशियट करी महाराष्ट्र

स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है इस स्कीम के अंडर में फॉरेस्ट की जो इंडिजीनियस पीपल है वो पर्सन जो इस पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करते हैं उन इंडिविजुअल्स का राइट right रहेगा उस कम्युनिटी का राइट रहेगा वहाँ के जंगल्स के ऊपर जो फॉरेस्ट पर्सन और जो आदिवासी है दे विल बी हैविंग देयर राइट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द जंगल फॉर नाउ इन द स्टेट ऑफ ओडिशा

ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कुछ तो है, है, है या रैंसम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आंसर है ये क्या है ये ऑटोनोमस अंडर वॉटर वहीकल है अब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ निराक्षी नीदी ये टू वर्ड से बना है निराक्षी फर्स्ट इज नीर देन इज आक्षी अगर आप वर्ड नीर नीर और नीराक्षी क्या है एक संस्कृत वर्ड अगर आप वर्ड नीर का मीनिंग जानेंगे नीर का मीनिंग क्या है वाटर और आक्षी का मीनिंग क्या है आइस विच मीन्स ये अंडर वाटर आइस की बात कर रहे हैं ये एक ऐसा व्हीकल है जो अंडर वाटर जाएगा और अंडर वाटर जाके जो भी आपको बॉम्ब डिप्लॉयड मिलेंगे या फिर जो भी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड उन चीज़ों को ये क्या करिए डिटेक्ट करेगा सो दिस इज द न्यू ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल हुज नेम इज़ निराक्षी अगर आप यहाँ पर केयरफुली देखेंगे इसका नेम भी यहाँ पर हिंदी में मैंशन कराया गया निराक्षी विच इज टेकन फ्राम संस्कृत लैंग्वेज विच मीन्स अंडर वाटर आइस

हैज़ इन रीअॉइंट इन्हें रीअपॉइंट करा गया कैसे री अपॉइंट करा गया एज अ चेयरमैन और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इनमें से कौन सी कंपनी का है? इन्हें चेयरमैन री अपॉइंट कर गया विच मीन्स इनका जो टेन्योर था इनका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड इनका नियर टू एंड था टाइम पीरियड इनका एंड होने वाला था बट इनका जो टेन्योर है उस टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया ना यू पीपल है दिस क्वेश्चन कि किस ऑर्गनाइजेशन का इन्हें दोबारा से चेयरमैन को टाइम पीरियड का जो टेन है उसे इंक्रीज कर दिया गया सी ऑलरेडी नेम पे मेंशन है। आप लोगों को आंसर बताने की नीड भी नहीं आपको ऑलरेडी गया होगा यू फॉर इट मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्या गेट्स एक्सटेंशन इनका जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड इंडियन ऑयल चेयरमैन रेयर टेन ओर एक रेयर टेन एक्सटेंशन दिया है विच मीन्स रिटायरमेंट के बाद भी इनका जो टाइम पीरियड उसे एक्सटेंड कर दिया गया जो कि चीज जनरली नहीं होती है विच मीन्स ही मस्ट बी सर्विंग इन अ नाइस मैनर सो दैट इनकी टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया नाउ ना सिद्दक पास अवे रिसेंटली नाउ एट द एज ऑफ सिक्सटी थ्री वो ही नाउ जो सिद्दकी है इनकी जो डेथ हुई है वो सिक्सटी थ्री की एज में हुई है बट ये है कौन ये जो पर्सन सिद्दिकी है द पर्सन हु इज ओवर हियर जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो पर्सन सिद्दी आपको दिख रहे हैं ये इनकी डेथ सिक्सटी थ्री ईयर्स में हुए ये किस इंडस्ट्री को या किस चीज को बिलोंग करता हैं आई गेस इंडस्ट्री वर्ड से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल गया होगा डू लेट मी नो इफ आपको पता लग गया ऑप्शन नंबर वन इज राइटर ऑप्शन नंबर टू इज पॉलिटिशियन देन इज theater artist theater artist then is filmmaker so the correct option is filmmaker filmmaker is the right answer for this question next question now what is the revised timeline for listing shares on stock exchange after the क्लोजर ऑफ़ आई पी ओज एसपो सेबी नाउ दे आर आस्किंग जो सेबी ये स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी जो रिवाइज टाइमलाइन है शेयर्स को लिस्ट करने की आई पी ओज के बाद आई पी ओ के क्लोजर के बाद वो क्या है टी प्लस टू डेज टी प्लस फोर डेज टी प्लस थ्री डेज टी प्लस फाइव डेज नो टी प्लस टू या फिर योजन यहाँ पर लिखे हुए हैं टी प्लस फोर ई सारे ऑप्शन का मीनिंग क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर क्या है टी प्लस थ्री इज द करेक्ट आंसर फोर दिस ऑप्शन नो टी प्लस थ्री का मतलब क्या है विच मीन्स अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है अगर वो मंडे में बिगिन हुई है मंडे में सारी चीज़ों की बिगनिंग हो रही है तो विच मींस विद इन थ्री डेज इट शुड बी सेटल्ड सो अगर हम थ्री डेज की बात करें विच मींस ट्यूसडे वेडनसडे एंड एंड थर्सडे थर्सडे तक इस चीज़ को सेटल कर दिया जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट IPO listing time for T two or T six plus T three to benefit investors issuers. Now correct answer we have already done T plus three days. Moving towards the next question. Okay, which state assembly passed a resolution urging the center to change the name of the state? कौन सी स्टेट असेंबली ने विच मीनस कौन सी लेजिस्टिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिस रेजोल्यूशन में रिक्वेस्ट किया है सेंटर को सेंटर की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा गया कि उनकी जो स्टेट है उस स्टेट के नेम को चेंज कर दिया जाए सी जो स्टेट के नेम को चेंज करने जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो स्टेट्स के हाथ में नहीं है स्टेट अपने नेम को चेंज नहीं कर सकता है सेंटर स्टेट के नेम को चेंज कर सकता है दैट टू कैसे सेंटर एक स्टेट के नेम को चेंज कभी भी कर सकता है उनकी जो बाउंड्रीज है भी भी स्टेट को से परमिशन लेने की उनके नेम को या बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए दैट इज वाई ये जो स्टेट असेंबली है स्टेट असेंबली ने रिक्वेस्ट करी है अर्ज करी है सेंटर्स से उनके नेम को चेंज करने की सो so, इस स्टेट का नेम क्या है हिमाचल प्रदेश बिहार असम और केरला रला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सिंह की जो केरला का नेम है केरला स्टेट के नेम को चेंज करके क्या रीनेम करना आपको केरलम केरलम शुड बी द न्यू नेम ऑफ द केरला स्टेट अगर हम केरला के की स्टेट की जो लोकेशन देखें वो लोकेशन है केरला के स्टेट की कर्नाटका के नीचे से अगर यहाँ पे आप देखें यहाँ पे नीचे आपको क्या मिलेगा केरला एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कर्नाटका ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर एलओसी इंडिया में पहला फर्स्ट पोस्ट ऑफिस खुला है एलओसी के पास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इनोग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सफ ऑप्शन आर उधमपुर कुपवारा राजौरी या फिर किश्तवर नाउ द करेक्ट आंसर इज टेलीस्कोप तो द्वारा अगर आप एल LOC की लोकेशन देखे लाइन ऑफ कंट्रोल सो क्या लोकेशन है इसकी सी ये जो रीजन है दिस इज पी के पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर ये जो लाइन है यहाँ पे दिस इज एल और जो यहाँ पे आपका एक्साइज है यहाँ पे जो लाइन आएगी एल एस सी दैट इज योर एल और एल क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और यहाँ पे आपके क्या एल जो एल है इस एल के पास चलिए एल के पास आपको क्या मिला है एक पहले फर्स्ट पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे इनोग्रेट करा गया इम्प्लीमेंट करा गया सो so, कौन सा स्टेट है जहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करा गया दैट इज कुपवारा नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कुपवारा इज द करेक्ट आंसर Which year was G20 summit first held? कौन से ईयर में सबसे पहली जी ट्वेंटी थी ईयर ईयर टू ईयर टू थाउजेंड फोर इू थाउजेंड एट टू थाउजेंड एट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नाउ अगर मैं पूछूं ये जो समिट है ये समिट सबसे पहले कहां पे कंडक्ट करी गई थी इस समिट को सबसे पहले यूएसए में कंडक्ट किया गया था टू इन वॉशिंगटन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विच कंट्री हॉस्टेड जी ट्वेंटी समिट ओके सो इसका आंसर हमने अभी डिस्कशन में ही ऊपर किया है मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ। मैं बस ऑप्शन रीड आउट कर रही हूँ आप इसका आंसर खुद से बताएंगे बिकॉज जस्ट हमने इसका आंसर डिस्कस करा है प्रीवियस क्वेश्चन में ही सो कैनेडा चाइना यूएसए या फिर फ्रांस कौन सा इसका करेक्ट आंसर है मूविंग टू वर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके विच कंट्री हाउस फर्स्ट एवर वर्चुअल जी ट्वेंटी समिट इन 2020, 2020 अगर आपको याद हो 2020 वाज़ अ टाइम पीरियड ऑफ कोविड 19 नाउ 2020 में कोविड के टाइम में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने G20 की समिट को वर्चुअली मिस ऑनलाइन होस्ट किया था सो द ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया सऊदी अरेबिया या फिर कनाडा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें यहाँ पे जो इमेज देख रही है मी कम हो जो इमेज दिख रही है ये इमेज आपको शेख की दिख रही है सो so, इस इमेज के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एम पी सॉरी पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी कि प्रेसिडेंसी किसको ट्रांसफर करी है शेख हसीना कारमेन लुसिया जेर देन लुइस डा सिल्वा सो करेक्ट आंसर क्या है इसमें ऑप्शन नंबर डी लुइस इनाक् लूला सिल्वा इज अ करेक्ट ऑप्शन सो ये लुइस इनाक्यो है ये लुइस है प्रेसिडेंट है कहाँ के प्रेसिडेंट है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं एंड इनको प्रेसिडेंसीज़ प्रेसिडेंसी सौंपी गई है जी ट्वेंटी की समिट की ट्रांसफर करी गई है पीएम मोदी के थ्रू मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हु डिजाइंड इंडिया जी ट्वेंटी से जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी लोगो इंडिया जी ट्वेंटी का जो लोगो है उसे किसने डिजाइन कर रहे हैं अगर आप यहाँ पे इस इमेज को देखें ध्यान से तो यहाँ पे भारत भी लिखा हुआ है इंडिया भी लिखा हुआ है सो so, अगर काफ़ी सारी न्यूज में ये था कि जो इंडिया का है इंडिया को जो नेम है उसे चेंज करके भारत रख दिया जाएगा बट दैट वॉज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इंडिया का नाम भारत ऑलरेडी है इंडिया को पहले से ही भारत कहते हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन रीड आउट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लाइन्स मैंशन करी गई है इंडिया that is is bharat india जो कि भारत है सो विच मीन्स इंडिया का जो पहला नेम वो भारत ही है इंडिया को हम क्या बोलते हैं हम भारत ही बोलते हैं बट एज ऑफ नाउ वी आर यूजिंग द टर्म इंडिया फॉर इट इंस्टेड ऑफ यूजिंग भारत सो so इस लाइन का मतलब क्या इंडिया दैट इज इंडिया जो कि भारत है विच मीन्स ये कोई नया नेम नहीं है कोई नेम चेंज की बात नहीं है दैट वॉज कम्प्लीटली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी नेम एग्जिस्टेंस में है दैट इज दिस नेम इज बींग यूज ओवर इन जी ट्वेंटी समिट

Then Anshika Singh, then Ramvi Sutar. Correct option for this question is Sudarshan Patnaik. Sudarshan Patnaik is the correct option. No D is not the correct option for it. Moving towards the next question.

नेक्स्ट क्वेश्चन ओके लेटमी करेक्टर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है जो कल्चरल की बात करी गई है क्वेश्चन अगर हम आएंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दुर राजस्थान जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कल्चरल वर्क ग्रुप की बात करी गई है फर्स्ट कल्चरल ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कल्चर ग्रुप की जो मीटिंग है वो पे ऑर्गेनाइज करी गई है उदयपुर राजस्थान उज्जैन मध्य प्रदेश वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर खुजराहो मध्य प्रदेश इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट वुड बी योर ऑप्शन नंबर बी मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन PM Narendra Modi announced project during the annual Group of uh, Twenty summit of the world's top economies to launch the dash economy corridor, including shipping railway link. Now they are saying PM Modi ne कौन सा प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है जी ट्वेंटी समिट में जिससे आपकी जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है आपकी वर्ल्ड की क्या होगी इंप्रूव होगी वर्ल्ड की इकोनॉमी इंप्रूव होने का मतलब क्या है आपके जो ट्रेड रिलेटेड रिलेशन है या फिर जो अदर बायोलिट्रल रिलेशन है वो रिलेशन इंप्रूव होंगे पे कॉरिडोर की बात करी गई है इंडिया मिडल वेस्ट यूरोप कॉरिडोर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इंडिया मिडल ईस्ट अफ्रीका सी अफ्रीका की हम बात नहीं करी जा रही है सो so, जो अफ्रीका है अफ्रीका का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को ही हम यहाँ से रिमूव कर देंगे ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे दैट इज मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्टल ऑफ मेगा एग्जिबिशन कौनसी मिनिस्ट्री ने पोर्टल लॉन्च करा है मेगा एग्जिबिशन का भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसका नेम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी टू बील्प हेल्प एट भारत मंडपम फॉर ग्लोबल लीडर्स अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस जो भारत में एंटर होगी सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सी यहाँ पे किसकी बात करें एग्जिबिशन की बात करी जाए आपको यहाँ पे एक क्लू मिल रहा so, है एग्जिबिशन सो जो एग्जिबिशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस मिनिस्ट्री में हो सकती है एजुकेशन मिनिस्ट्री में हो सकती है ऑब्वियसली नहीं हो सकती है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहाँ भी नहीं हो सकती है क्या इन्वायरमेंट में हो सकता है माइट भी हो सकती है या फिर कल्चर में सो करेक्ट ऑप्शन इसका जाएगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर

विच बैंक हैज़ लॉन्च द नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड टू फेसिलिटेट सीमलेस एंड कन्वीनियंट कस्टमर कम्यूटिंग एक्सपीरियंस नवदया से कौन सी ऐसा बैंक है जिसने फर्स्ट ट्रांसिट कार्ड को लॉन्च किया है कौन सा ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया है ये तो आपको यहाँ पर इमेज दे के पता लग ही गया होगा मुझे ऑप्शन बताने की भी नीड नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक येस बैंक या फिर एच डी एफ सी बैंक सो ये ट्रांजिट कार्ड क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिट कार्ड का मतलब है एक ऐसा कार्ड होगा एक ऐसा डेबिट कार्ड होगा जिसे आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं विच मीन्स इस कार्ड को लेके आप मेट्रो स्टेशन तक पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे आप टिकट की प्लेस पे इस कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं सो दैट अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा एंड इस कार्ड को आप डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं सो ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स एस बी आई अगेन इट्स फॉर दिसल टाइटल एट इंडोनेशिया मास्टर मास्टर्स इंडोनेशिया मास्टर्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में किस प्लेयर को मिन्स सिंगल का टाइटल मिला है किरण जॉर्ज लक्ष्य सेन को तकाशी या फिर प्रियांशु रावत कौन सा ऑप्शन होगा डू लेट मी नो हरी अप इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है किरण जॉर्ज लक्ष्य सेन कुकाशी देन प्रियांशु रावत विच कुड बी द बेस्ट ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर फॉर इट ऑप्शन नंबर ए किरण जॉर्ज इज द करेक्ट आंसर किरन नेम पे आप नहीं जाएंगे कहीं आपको लग रहा जो किरण है कि फीमेल है नो किरण इज द नेम ऑफ मेल एंड किरण जॉर्ज हैज वन दिस टाइटल इन सिंगल मैन क्लियर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको इमेज भी दिख रही होगी किरण जॉर्ज की नो नो सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन किरण जॉर्ज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन सी किरण जॉर्ज

ओके विच प्लेयर हैज कम्प्लीटेड फास्टीन 13,000 रन इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट आई गेस ये तो आप सबको पता होगा मुझे नींद नहीं है आई एम जस्ट रीडिंग सो दैट यू कैन पीपल यू पीपल कैन आंसर इट बाबर आजम स्टीव स्मिथ विराट कोहली और डेविड वॉर्नर करेक्ट आंसर आप सबको पता है यू पीपल आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन आउ द वर्ल्ड हाइएस्ट एयरफील्ड बींग डिप्लॉयड वर्ल्ड का हाइय एयरफील्ड को सॉरी एयरफील्ड को करा गया श्रीनगर बाकू ओके आंसर आप लोगों को दिख गया है इसका वेयर इज द वर्ल्ड हाइएस्ट फाइटर एयरफील्ड बींग डेवलप वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड को कहाँ पे डेवलप किया गया श्रीनगर में बाकू में काठमांडू में या लद्दाख में करेक्ट आंसर है लद्दाख ओवर या लद्दाख की अगर आप लोकेशन देखेंगे सो इंडिया के मैप पे यहाँ पे टॉप पे आपको लद्दाख की लोकेशन मिल जाएगी मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ According to US news, the World Report annual best country ranking, which country has अगेन क्लेम द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट कंट्री ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री का टाइटल मिला है दोबारा से ये वेरी नाइस विराट कोहली और किंग कोहली एस यू पीपल आर सेइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन नाउ अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग कौन सी कंट्री को बेस्ट रैंकिंग का अवार्ड मिले स्विट्जरलैंड जर्मनी फ्रांस और बल्गेरिया स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर question moving towards the next question now, 18th g20 leadership has declared it will work towards having place a fully functional dispute settlement system at W2, uh, WTO which means World Trade Organization so jo leadership g20 18 g20 ki jo leadership summit submit so declared kia he कि जो फुली डिस्प्यूट जो है उस डिस्प्यूट की सेटलमेंट करी जाएगी एंड डब्ल्यू के जो सिस्टम है उसमें सेटलमेंट करी जाएगी बट कौन से ईयर तक और नेक्स्ट क्वेश्चन आओ विच कंट्री हेज प्लेस्ड टू बिलियन टू यू एन ओ ग्रीन टू यू एन ग्रीन क्लाइमेट फंड टू सपोर्ट वनरेबल कंट्रीज़ इन डील क्लाइमेट चेंज कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है नो बेटर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट जो क्लाइमेट चेंज हो रहे उस क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए उस क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए कौन कंट्रीज को फंड दिए जाएंगे ऐसी कंट्री जिन पर इतने फंड नहीं है वो जो कंट्री सिचुएशन बाहर नहीं निकल के आप आ पा रही हैं किस कंट्री अनाउंस कर रहे हैं फ्रांस रशिया यूके यूएसए सी इस इमेज को देख के आपको कुछ पता लग रहा होगा कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस करा है मैं आपको इस पर्सन का नेम बता देती हूं ऋषि सुनक इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन सो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस कंट्री की बात करी जा रही है सो यूके इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन

Allow me a moment please.

So, Varna then I.S. Sumeda. I.S. Sumeda is the correct answer for this particular question. Now, moving towards the next question. अरुण कुमार सिन्हा पास अवैध रिसेंटली वॉज चीफ ऑफ द फॉलोइंग सो ही वॉज द चीफ ऑफ एस पी जी विच मीन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कराए मूविंग टू वर्ड्स ने्वेश्चन नाउ

वॉट इज़ द करेंट रेट करंट रेपो रेट क्या है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जिस वे में हम बैंक से लोन लेते हैं हमें बैंक को इंटरेस्ट पे करना सिमिलर वे में बैंक आर बी आई से लोन लेते हैं और आर बी आई को उन्हें एक इंटरेस्ट का रेट पे करता है वो इंटरेस्ट का रेट जो आर बी आई को बैंक को पे करना होता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं सिमिलर वे में जब आर बी आई बैंक से लोन लेती है इमरजेंसी के टाइम में

विच चेप्रीसेंटली पार्टिसिपेटेन पासेक्स 2023 रॉयल साउदी नेवी कस चिप ने पार्टिसिपेट किया था आईएनएस के सो करेक्ट आंसर इस आईएनएस चेन्नई मूविंग टूवर्ड्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन देव वाज़ अशाफ्ट लास्ट डिवीज़न आट हराप्पा एंड मोहनजोदारो इस क्लियर फ्रॉम दोनों के बीच में एक शार्प कंट्रास्ट है इस चीज़ के बारे में आपको किससे पता लगता है इंडस की सील जो मिली उससे वहाँ के रिलीजियस बिलीफ से वहाँ पे जो टूल्स और जो एम्प्लीमेंट्स यूज है उसके थ्रू या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डवेलिंग के थ्रू यो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डवेलिंग्स दैट व एक्सकवेटेड वेदिक डाइटी इंदिरा वॉज द गोड जो वेदिक डाइटी है जो वैदिक गोड है जिनका नाम इंदिरा है वो किस चीज के गोड है वो किससे रिलेटेड है मोस्ट फेमस रूलर ऑफ पुलासन टू कौन सी जगह का फेमस रूलर था ही वॉज द रूलर ऑफ चालुकिया चालुक्यन डायनेस्टी नौ ग्राम च लुक डायनेस्टी की बात करें आज के माप के अकॉर्डिंग तो च लुक एंड डायनेस्टी है वो थोड़ा सा गुजरात के पार्ट को कवर करते थे महाराष्ट्र देन आपका कर्नाटक केरला तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश सो ऑल इन ऑल वी हैव डन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस टुडे नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास Allow me a quick moment, please. I hope you people enjoyed this particular lecture. So, we are going to meet in our next lecture now. If you want to. स्टडी दीज बैच वेरी केयरफुल है जितने भी आपके डोमेन्स हैं इन डोमेन्स को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बुक्स अलोंग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सो यू हैव टू ज्वाइन अवर बैचेस लर्न करो जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी जाते हैं सो दैट आप अपने सी यू टी एग्जाम को अच्छे से क्लियर आउट कर सके अच्छे मार्क्स पास आउट कर सके सो दैट इज ऑल फॉर टूडे नाउ वी आर गोइंग टू मेट इन अनदर सेट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर बींग टू पेशेंट Over you bye take care everyone